चोपड़ा जो किसी यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम फोर स्टेट के रजिस्ट्रेशन अपडेट के बारे में बात करेंगे और कुछ ऐसे स्टेट भी हैं जिनके रजिस्ट्रेशन पहले भी स्टार्ट हो चुके थे और मैंने इनका वीडियो बना दिया था, उसके बारे में भी मैं आपको रिपीट कर दूंगा ताकि कोई स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करने से वंचित ना रह जाए अपने स्टेट से। तो इसमें जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन हुए हैं उसमें पुडुचेरी के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, 12 जुलाई 2023 से ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और इनकी लास्ट डेट 18 जुलाई 2023 रखी गई है। मैं आपको यहां पर बता दूं कि पुडुचेरी एक ओपन स्टेट है, यहां 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, इनमें अदर स्टेट कैंडिडेट एडमिशन ले सकते हैं। यहां की ट्यूशन फीस 16 लाख रुपए पर ईयर है, हालांकि नई फीस यहां पर अभी डिक्लेयर नहीं हुई है, हॉस्टल मैस अदर फीस एक्स्ट्रा है। यहां पर पुडुचेरी की कट ऑफ काफी लो जाती है। अब इसकी अप्लाई कैसे करना है, पुडुचेरी स्टेट के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो इसकी सेंटेक पुडुचेरी डॉट इन की वेबसाइट पर आप जैसे ही विजिट करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहां लेफ्ट साइड में सबसे पहले अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे और इसमें नीचे आपको यूजी नीट का ऑप्शन मिलेगा और वहां पर रजिस्ट्रेशन नाउ का टैब मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं पुडुचेरी स्टेट के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट में उड़ीसा स्टेट की, तो उड़ीसा स्टेट के भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। यह एक क्लोज स्टेट है, यहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिर्फ उड़ीसा के डोमिसाइल्ड कैंडिडेट ही एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ की प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हाईटेक राउरकेला में भी है और भुवनेश्वर में भी है, तो यहाँ पर उड़ीसा स्टेट के कैंडिडेट ही एडमिशन ले सकते हैं क्योंकि ये एक क्लोज स्टेट है। उड़ीसा स्टेट में रजिस्ट्रेशन की डेट स्टार्टिंग डेट 12 जनवरी 2023 है और लास्ट डेट इसकी 16 जुलाई 2023 रात 12 बजे तक रखी गई है। इसके बाद में सभी जो पीसी कैंडिडेट हैं वो मेडिकल बोर्ड के लिए अटेंड होंगे 13 जुलाई से 14 जुलाई 2023 के लिए। वेन्यू है इसमें एससीबी मेडिकल कॉलेज कटक। इसके बाद जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट रजिस्टर्ड कैंडिडेट की पब्लिश हो जाएगी वो 20 जुलाई शाम 5 बजे तक हो जाएगी और इसमें अगर किसी कैंडिडेट को कोई क्वेरी रेज करनी है तो 21 जुलाई 2023 तक कर सकते हैं और जो फाइनल स्टेट मेरिट लिस्ट है रजिस्टर्ड कैंडिडेट की वो 23 जुलाई 2023 तक पब्लिश कर दी जाएगी। यहां गलती से 22 लिखा गया है, ये 23 आप करेक्ट कर लें। इसकी जो वेबसाइट है वो वेबसाइट आप odisha.com पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने के लिए www.odisha.nic.in की वेबसाइट पर आप अप्लाई करेंगे। जैसे ही इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे इस प्रकार का ऑप्शन मिलेगा आपको, MBBS BDS काउंसलिंग का टैब मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा, यहां आप शेड्यूल देख सकते हैं। कैंडिडेट एक्टिविटीज में आपको यहां ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मिलेगा, यहां से क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं जो उड़ीसा स्टेट के कैंडिडेट्स हैं। अब बात करते हैं हम केरला स्टेट की, तो केरला स्टेट के जो फॉर्म है वो काफी पहले फिल किए जा चुके थे, उसके बाद रिजल्ट के बाद में फिर से ओपन हो गए थे, उसके बाद क्लोज हो गए थे, अभी फिर से ओपन हुए हैं केरला स्टेट के रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो जिन कैंडिडेट्स को केरला स्टेट में एडमिशन लेना है और उन्होंने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है केरला के लिए, वो अप्लाई कर सकते हैं। 13 जुलाई 2023 शाम 4 बजे तक इसकी लास्ट डेट रखी गई है। जिन कैंडिडेट्स ने केरला स्टेट में पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है उसको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, ये फैसिलिटी उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने अभी तक केरला स्टेट में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। मैं आपको बता दूं केरला स्टेट भी एक ओपन स्टेट है, यहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अदर स्टेट कैंडिडेट एडमिशन ले सकते हैं, इस स्टेट की फीस सबसे कम है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की कंडीशन में। तो जो कैंडिडेट केरला स्टेट के डोमिसाइल्ड कैंडिडेट हैं वो केरला के गवर्नमेंट और प्राइवेट में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो भी अप्लाई कर दें, और अदर स्टेट कैंडिडेट जो केरला के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वो भी 13 जुलाई 2023 शाम 4 बजे से पहले पहले अप्लाई कर दें। इसमें अप्लाई करने के लिए cwe.kerala.gov.in पर आपको विजिट करना पड़ेगा, इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। रजिस्टर्ड हेयर पर आपको क्लिक करना है, जैसे ही रजिस्टर्ड हेयर पर क्लिक करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके टोटल जानकारी फिल करने के बाद में आप ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। स्टूडेंट को एक जगह प्रॉब्लम आती है कि इसमें इसमें नेटिविटी है वो क्या भरना है, तो वो NK2 भरना है और नेटिविटी सर्टिफिकेट की जगह 12th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है।
ट्वेल्थ की मार्कशीट अपलोड कर दें या फिर ट्वेल्थ का सर्टिफिकेट अपलोड कर दें, डेट ऑफ बर्थ के लिए टेंथ की मार्कशीट अपलोड कर दें यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेट बात करते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली में आईपीओ के रजिस्ट्रेशन पहले क्लोज हो चुके थे, अब आईपीओ के रजिस्ट्रेशन फिर से इसकी डेट एक्सटेंड की गई है और वो 13 जुलाई 2023 रात 11:50 तक की गई है। जिन्होंने रजिस्टर कर रखा है पहले, वो काउंसलिंग के लिए 1000 रुपीज फीस डिपॉजिट करके रजिस्ट्रेशन कर दे काउंसलिंग के लिए, और जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन 1500 प्लस 1000 की फीस डिपॉजिट करके फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 13 जुलाई 2023 है। ये सिर्फ तीन कॉलेजेस के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। इसमें दो कॉलेजेस गवर्नमेंट की हैं जो बीएससी है और एनडीएमसी है, एक कॉलेज प्राइवेट है जो एसीएमएस है जिसमें आर्मी वार्ड्स इलिजिबल हैं। तो ये आईपीयू के लिए है। इसमें जो दिल्ली स्टेट, जिन्होंने दिल्ली से 11 ट्वेल्थ कर रखा है, वो यहाँ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ipu.admissions.nic.in की वेबसाइट पर विजिट करना है। यहाँ पर आपको आईपीयू रजिस्ट्रेशन 23 का ऑप्शन मिलेगा। इस पर आप इस प्रकार से फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपने पहले कर दिया तो यूजर आईडी पासवर्ड डाल के आप साइन इन करके फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं, अगर आपका फॉर्म इनकम्प्लीट है तो। नेक्स्ट, इनके बारे में, इन स्टेट्स के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। ये स्टेट्स हैं, जैसे तमिलनाडु का है लास्ट डेट इसकी 12 जुलाई 2023 आज शाम 5 बजे तक है। इसको अप्लाई करने के लिए आप इसकी वेबसाइट tnmedicalselection.net पर क्लिक करके, आप इसमें यूजी कोर्सेज पर क्लिक करके यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, तेलंगाना स्टेट के गवर्नमेंट अथॉरिटी के फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो वो स्टार्ट हो चुके हैं, मैनेजमेंट और एनआरआई के अभी हुए नहीं है, तो अदर स्टेट कैंडिडेट को वेट करना है अभी। ये सिर्फ तेलंगाना डोमिसाइल कैंडिडेट के लिए ही फॉर्म ओपन हुए हैं। आसाम स्टेट के जो स्पेशल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनकी जो लास्ट डेट है 14 जुलाई 2023 है, इनका भी मैं पहले वीडियो बना चुका हूं। इसके बाद में जो अरुणाचल प्रदेश है उसकी लास्ट डेट 18 जुलाई 2023 है। यहां भी जो डोमिसाइल्ड कैंडिडेट हैं यहां पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आप इसकी वेबसाइट पर जैसे ही विजिट करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये स्टेट्स की अपडेट्स थी कुछ स्टेट की जिनकी अभी रजिस्ट्रेशन डेट बाकी है और जिनके फ्रेश रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जिनके एक्सटेंड हुए हैं रजिस्ट्रेशन की डेट, उनके बारे में जानकारी थी। जैसे जैसे बाकी स्टेट्स के रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।